रीजा को पकड़ रहा होगा ये हां बाबू रिवर्स अच्छी बोल कितने बनाए बस बस हो गया हो गया रैन में यही लेके आया था पता दोनों लाया था मैं साफ तो इसी से होगा बस हो गया पहले का देखो अभी देख देख क्लीन कितना हुआ है बस बस किया कभी बाद में निकलेंगे कल निकलेंगे बात एकदम गेट के सामने सेकंड गेट है ना जहाँ पे बस एंटर होती है हाँ 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 नमस्कार कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और जैसे कि आपने देखा आज हमारे दोनों बच्चों को शायद नजर लग गई क्यों तो आज ये स्कूल से आ रहे थे और पीछे से एक्टिवा ने इनको मतलब पीछे से ठोक दिया ही बोलेंगे ना पर ठीक है एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया ज़्यादा नहीं लगा है थोड़ी बहुत जैसे कि आपने देखा रिहान को चोट है और रिजा को थोड़ा सा चोट है सर पे चोट है बट अभी वो ठीक है उससे काफ़ी पूछ लिया है कि कुछ डिजीनेस तो नहीं लग रहा वॉमिट तो नहीं लग रहा तो अंदरूनी चोट का ज़्यादा टेंशन होता है वैसा है बट अभी ठीक है अलहमदिल्ला रेहान को टिटनेस का इंजेक्शन लगना है अभी कि अभी अभी वो लगेगा थोड़ी देर में रिजा ने इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया है तो उसको दवाइयाँ हाँ नहीं इवन उसका पेन किलर के लिए मना कर दिया इतना तो वो लगने में नहीं रोहित तो इंजेक्शन नाम सुनकर होने लगी है तो ठीक है बट पता नहीं अभी जिसने भी किया है क्या बोलूँ मुझे गुस्सा भी आ रहा है मुझे ये भी लग रहा है कि अगर वो वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए सुनने में आया कि नशे में थे वो मैं नहीं था मैं नमाज के लिए था जैसे मैं नमाज से निकला धर्म मुझे बोलता है कि सर फ़ोन कर लीजिए मैडम का फ़ोन आया मैंने कहा था ना कि सर क्या हो गया फ़ोन किया तो बोलते जल्दी आ जाओ और अम्मी और नाजा खाला थी साथ में वो एक स्टेप आगे थे अच्छा हुआ कि अम्मी को नाजा खाला को आप लोग को नहीं लगा और भाई दादे आलू आ गए हैं ये नहीं सारा सब ऐसे नाजा खाला कहाँ नमाज पढ़ने गई सब ऐसे शांत बैठे हैं ना अभी कि ठीक है चलो ये सब तो हो गया एक हंसी वाली बात इन लोग को जब से मैं ऐसे ही बोल के हंसा रहा हूँ मैंने कहा हाँ लगी कैसे तो बोलता शानू भाई मैंने कहा तुम्हारे एक्टिवा लगी या रिजा की लगी तो बोलता शानू भाई एक्टिवा को जो बैंग हुआ वो रिजा को हुआ और रिजा मेरे ऊपर आके गिरी तो मुझे नहीं क्या दोनों मेरे ऊपर आ गए रिजा इन शॉर्ट पता है क्या बोल रहा है वो कि तुम्हारी वजह से उसको लगी है वो कह रही है आ लगी है जाओ तो करता है करो वो जो हार चुकी है कहती आ लगी है मेरी वजह से मैं थोड़ा सा देखो मूड इंसान के लाइट होना चाहिए तब से मैं उसको ऐसे ही हंसा रहा हूँ पीछे थे पीछे थे देखो भाई ऐसे घूम के आई इनके पास
कैसे घूम के आई? पीछे थे, पीछे यहाँ से आगे तो गाड़ी कैसी आएगी, ऐसे घूम के आई। अच्छा, ऊपर ले जाए एवरीवन। सो आप लोगों ने इंजॉय किया कि नहीं किया ये वीडियो, जिस तरीके से उनके घर में थोड़ा सा क्राइसिस आई, इश्यूज हुए, लेकिन उस मोमेंट को किस तरीके से उन्होंने फनी बना दिया। और काफ़ी मैंने तो इंजॉय किया उस चीज़ को कि एक्सीडेंट हुआ, फिर उसे भी काफ़ी आई नो कि इश्यूज हुए होंगे, प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन कैमरे के सामने जो आया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फनी रहा। सो वैसे तो ये लोग यार, जितने भी लोग हैं घर के, चाहे दीपिका हो या सबा इब्राहिम हो या शुएब हो, कोई भी वीडियो डालता है घर का, कोई ना कोई बंदे का वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में रहता ही रहता है ब्लॉग उनका, और काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स भी रहते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ये वीडियो, मेरा जो रिएक्शन वीडियो है। सो यार, अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में, सॉरी, ब्लॉग चैनल मेरा सेकंड है जो आप लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो उमर बिन हुसाम ब्लॉग्स करके वो मेरा सेकंड चैनल है जिसमें ब्लॉगिंग करता हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू या रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।